वादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में लव जिहाद की पीड़ित निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग करने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी साध्वी प्राची ने बिना नाम लिए राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर हल्ला बोल किया। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि राहुल प्रियंका को हाथरस की घटना तो दिखाई देती है किंतु हरियाणा की घटना पर वे मौन हो जाते हैं। चंद्राचार्य चेक पर साध्वी प्राची ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद की आड़ में धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लव जिहाद चरम पर है। हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। साध्वी ने कहा कि यदि लड़की धर्म परिवर्तन की बात नहीं मानती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। निकिता जैसी बच्ची के साथ हुई घटना किसी अन्य के साथ हो इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। साथ ही लव जिहादियों को भी चौराहे पर फांसी देने की मांग की जाए। देश में कानून बनने से निकिता जैसी बेटियां नहीं रोकी जा सकती मरने से। हिंदुस्तान की संसद में कानून बने और लव जिहादियों के लिए ना अपील होनी चाहिए ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई होनी चाहिए ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। कड़े से कड़ा कानून बने और इस पर हम फांसी की मांग करते हैं। लव जिहादियों को फांसी हो। कि पूरी तरह से तो आवाज़ निकिता के हत्या के बाद पूरे देश के अंदर एक आवाज़ बनी है और हमें विश्वास है कि मोदी जी कड़ा से कड़ा कानून इस पर जरूर बनाएंगे। लव जिहादियों को फांसी हो, केवल हमारी ये मांग है।